ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए दिखाते हैं कांग्रेस की परिवर्तन रैली की प्रमुख झलकियां। हमीरपुर के इतिहास में किसी भी सुवीरवार की समझ तक में इतनी बड़ी रैली पहली बार हमीरपुर के जो सच कह रहे हैं, जिन्होंने भारतवर्ष को बनाया, जिन्होंने हिमाचल प्रदेश को बनाया, ये मैं कहूंगा ये हमारी गाथा है, ये हमारा इतिहास है। माननीय वीरभद्र सिंह का मैं धन्यवाद करना चाहूंगा। 6 बार मुख्यमंत्री रहे, दिल्ली में मंत्री रहे, लेकिन हिमाचल प्रदेश में जो सर्वांगीण विकास माननीय वीरभद्र सिंह के समय में हुआ, शिक्षा में हम पहले नंबर पे आए। आज मैं ये भी कहना चाहूंगा कि माननीय वीरभद्र सिंह जी ने जो स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार किया, जो हमारे गांव गांव में पानी पहुंचा, जो विद्युतीकरण हिमाचल प्रदेश का हुआ, आज बड़े बड़े राज्यों की तुलना में हिमाचल प्रदेश जो है वो अगली पंक्ति में खड़ा हुआ है। पिछली बार 346 पन्नियादा जना है घोषणा पत्र जारी कर देता, 346 वादे थे उनके, राम मंदिर बनाएंगे, उसके बाद गंगा साफ करेंगे, 15 लाख रुपया दवांगे, बुलेट ट्रेन चलावांगे, तारा लांस मापत कर दवांगे, और इस बार फिर वही लिख देता सब कुछ। भाई इस बार तो घोषणा पत्र थोड़ा नहीं जारी करना था, इस बार तो तुसी माफी पत्र जारी करना था कि ये काम नहीं होए, राम मंदिर नहीं बनया, गंगा साफ नहीं हुई, बुलेट ट्रेन नहीं चली, कुछ नहीं होया, साढ़े थे ऐसी माफी मांगते हैं। और 15 लाख ज्यादा साढ़े कुंडे च बताया, बैंक के बाहर ही बैठा रहता रोज, पिछले 5 साल से बैठा हुआ, सवेरे जाता बैंक वाले मुझे आए था नहीं, वो कहते जी शाम नहीं आए हो, फिर वो शाम नहीं फिर जा जाता, कहते जी आए नहीं, कहते जी सवेरे आए हो। कल ये हिसाब किताब जरा है किस ढंग के नाल दुनिया नू मूर्ख बनाया गया, और एक साढ़े सतपाल सत्ती जी आ गए, एक सतपाल रजादा जी, पता नहीं कितने आ गए, रजादे ने मैंने पार्टी का प्रधान बोल के आ रहा है, चलो मंच से जरा है गाली दे दी, और इलेक्शन कमीशन ने तो वार्निंग दे दी 48 घंटे। हिंदुस्तान किसी पार्टी के प्रधान ने मंच से गाली नहीं दी, छोटी से छोटी पार्टी के प्रधान ने भी मंच से गाली नहीं दी, लेकिन ये गाली दे रहे हैं है भी, चलो फेंडर है, बार बार एक होता कि किसी से एक अद्धी बार निकल गई कोई गाली, लेकिन बार बार करने, तुसी दसो राणा स्वामी, राणा स्वामी कितने भी जरा है इलेक्शन च हिस्सा नहीं लेते, उन्होंने अपना लंबा चौड़ा समाज है, लोगों की सेवा कर रहे हैं, नशाबंदी को दे खिलाफ जी मुहिम चलाई हुए, कोई तुम उन्होंने पर ही करी जा रहे टिप्पणियां, बिना जिदी गल जिस गल की जरूरत नहीं है, कोई तुम इलेक्शन उन्होंने कितने खिंची जा रहे हैं जिन्हों का कोई सरोकार नहीं है, महात्मा गांधी जी के पिछे पै गए, देश के राष्ट्रपिता उन्होंने खिलाफ मेरे ख्याल किसी हिंदुस्तानी ने गल नहीं की होगी, तुम उन्होंने उपर भी टिप्पणी कर दी, तुसी प्रियंका जी के उपर भी टिप्पणी कर दी, हूँ इतने मेरिया कि भैन बैठिया है, रोज सवेरे सत्ती को चिट्ठी लिखा करो जी कपड़े साढ़े ठीक है, क्या अभी ठीक पहने, तो नहीं इतराज कोई, भाई तुम्हें क्या लै देना, किने सिर के उपर पलू लिया, किने गले चुन्नी लई, किने क्या पहने, क्या सरोकार है, इतने महिला सशक्तिकरण की गल हो रही है, जनानियों 33% आरक्षण देने की गल हो रही है, उन्होंने अगे बनाने की गल हो रही है, और तुम जरा है आजादी के 70 साल के बाद भी जरा है टिप्पणियां कर रहे हैं लेडीज के उपर,
सोनिया जी के उपर टिप्पणी करी जा रहे हैं। और मैं तो यही गल आते समझ के पूरे कल क्या है कि जिस ढंग के नाल प्रतिभा सिंह हारी उसी ढंग के नाल आश्रय भी हारेगा। भाई तू भूल गया कि तू कि हारिया, तू हूं हार के आया, हूं तो हार के आया, तू अपनी गल कर, दूजे को क्या बोल रहा है। या तो जितया हुआ बंदा जरा है चौड़ा छाती करके जिन्हों मर्जी बोल सके तो निकल जाए। तुसी पार्टी के प्रधान हो गए हार गए, तुसी प्रदेश के मुख्यमंत्री हो गए हार गए, और तुहाडा जिहड़ा फाइनल टिकट है असीं सिटन जा रहे हैं 19 मई को वोटा पैनी है, 23 मई को जिहड़ा है ठाकुर राम लाल जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद। क्षेत्रवाद में जातिवाद में न्याय हिमाचल ग्रामीण हिमाचल ऊपर के पहाड़ नीचे के पहाड़ इसमें मैं विश्वास नहीं करता। हिमाचल एक है और एक रहेगा। अगर हम क्षेत्रवाद के आधार पर जातिवाद के आधार पर चलने लगे तो मध्य प्रदेश का जो बढ़ते कदम है उसका विकास के जो बढ़ते कदम है उसमें रुकावट पैदा होगी। हमें सभी लोगों को साथ मिला है, जो साथ है वो साथ है, जो साथ नहीं है उनको भी अपने साथ मिलाने की कोशिश करनी चाहिए और उनको भी सम्मान का स्थान मिलना चाहिए। और मेरा आपसे ये इल्तिजा है कि बहुत सी बातें मेरे से पहले कही वो मूल की होगा कहीं भी बात हो मुझे यहाँ पर और कभी खुश भी रहते हैं कभी राहत भी हो जाते हैं। मगर मुझे आज तक पता नहीं है उनकी खुशी कब होती है नाराजगी कब होती है। आपसे ये अनुरोध है कि यहाँ पर हम आपके सामने पूर्व वक्ता ने विस्तार से बात रखी है कि उनको फिर से दोहराना तो समय का दुरुपयोग हुआ और जनता जो है बड़े सोच के साथ शौक के साथ गंभीरता के साथ एक एक बात जो कही गई है तो उसको अपने दिमाग में रखेंगी और उसको अमली जमा बनाएंगे। आपसे ये अर्थ है चुनाव में हमीरपुर पार्लियामेंट हल्के से ठाकुर रामदास को बिना किसी बीच की साइड के एक तजर्बे वाला आदमी है। अपने राजनीतिक जीवन में इन्होंने बहुत कुछ किया है तो एक अच्छा नुमाइंदा आपको है और उसको खोना नहीं चाहिए। और आप कृपा करके बिना किसी शंका के और भाजपा के कुप्रचार से बचकर आप इनको भाई भगवान से पंजाब तो समझ आते हैं तो इस क्षेत्र के मुद्दों को और ज्यादा प्रभावी ढंग से उठाने में वो सक्षम है, ये मुझे पूरा विश्वास है। मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं कि अब 24 दिन बचे हैं, हम सब यदि संकल्प कर लें कि बचे हुए दिनों में रोज 4-5 लोगों को कांग्रेस पार्टी और श्री रामलाल ठाकुर जी के लिए वोट देने के लिए प्रेरित करेंगे तो दिन नहीं बचेगा जब रामलाल जी की जीत और अनुराग ठाकुर की हार जो है वो तख्ते पर दिखाई देगी के लिए 19 तारीख। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप भरपूर सहयोग करें, आने वाले समय में एक एक मतदाता तक अपनी पहुंच बनाए, एक एक मतदाता को हम समझाने में सक्षम हो और ये जो झूठ और फ्रेड पिछले कुछ दिनों से चला है इसको हम पर्दाफाश करें तो मैं समझता हूं इस देश के लोकतंत्र के लिए आप लोगों की बहुत बड़ी आहुति होगी, ये मैं आपसे कहना चाहता हूं। आज देश का लोकतंत्र के बारे में लोग सवाल खड़ा करते हैं, किस तरीके की डिक्टेटरशिप आ रही है, किस तरीके से लोगों के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, सरकारी एजेंसियों का किस तरीके से दुरुपयोग हो रहा है, किस तरीके से देश में महंगाई है उसकी चिंता नहीं है लेकिन नए नए वायदों से लोगों को बरगलाने की कोशिश हो रही है, इस तरीके से देश की जनता को बार बार गुमराह करके नए मुद्दों में उलझाने का जो काम हो रहा है इसका पर्दाफाश 19 तारीख को आप कर सकते हैं, ये मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं
कि इस पूरे लोकसभा क्षेत्र में और जहां मेरी जरूरत पड़ेगी मैं आप सब नेताओं के साथ कंधे से कंधा मिला के कदम से कदम मिला करके हम इस जीत को सुनिश्चित करेंगे, ये मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ। मैं ज्यादा ना बोलते हुए और यहाँ के केंद्र के नेतृत्व के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कि उन्होंने मुझे थोड़े से समय में जो अपने महत्वपूर्ण योगदान दिया है, मुझे जिम्मेदारियां दी है, मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। विशेषकर राठौर साहब के साथ तो हम बचपन में यूनिवर्सिटी के अंदर साथ साथ छात्र राजनीति में काम करते रहे, हमने इनको भी बहुत कठिनाई से विचारधारा के लिए लड़ते हुए और किस तरीके से कठिनाइयों में इन्होंने उस समय विचारधारा को जिंदा रखा है वो मैंने देखा है। मैं सब नेताओं के प्रति आदर और आभार व्यक्त करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूँ। मंत्री और मोदी जी की फौज, मैं अभी मंडी में भी कह के आया, कृपा करके ये फौज का अपमान बंद करें। हमारे बेटों के बलिदान और शहादत पर वोट मांगना बंद करें। जहां तक देश की एकता और आजादी की बात है, पूरा हिंदुस्तान एक है। कांग्रेस पार्टी आपसे नहीं सुनना चाहती कि राष्ट्रभक्ति क्या होती है और आतंकवाद से कैसे लड़ा जाता है। हमने दो दो प्रधानमंत्री शहीद किए, इंदिरा गांधी शहीद हुई आतंकवाद से लड़ती, राजीव गांधी शहीद हुए। आज अगर हम आलोचना करते हैं, सवाल करते हैं, नरेंद्र मोदी जी और बीजेपी के लोग ये कहते हैं कि हमारी राष्ट्रभक्ति में कोई कमी है, शर्म की बात है। पहली बार आजादी के बाद एक ऐसे प्रधानमंत्री आए हैं। हम इनको बताना चाहते हैं कि इस देश की फौज भारत की रक्षा करती है, भारत की सेना तिरंगे के नीचे लड़ती है। वो ना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फौज है ना बीजेपी की फौज है। और मैं आपसे गुजारिश करता हूं, जहां वायदा खिलाफी की इनको सजा दे, जो आपके साथ अन्याय हुआ, तकलीफ दी है इन्होंने अपने गलत फैसलों से, उसके लिए इनको सजा दे, वह हिंदुस्तान की सेना और हमारे शहीदों के अपमान के लिए इनको सजा दे। इसी कार्यक्रम में एक बार फिर वक्त हो चला छोटे से ब्रेक का, आई मिलते हैं ब्रेक के बाद।